खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रशियन सैलेड की जो रेसिपी है वो शेयर करूंगी। रशियन सैलेड दो तरह का होता है, एक मीठा और एक नमकीन। तो पहले मैं आपको नमकीन बनाना सिखाऊंगी और फिर साथ ही मैं आपको मीठा रशियन सैलेड भी बनाना सिखाऊंगी। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि मैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी और फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसको बनाएंगे। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारे पास यहाँ पर है वह है सफेद चने। आप एक बाउल सफेद चने का ले लें, इसे बॉईल कर लें। देन हमारे पास है एक आलू उबला हुआ। नेक्स्ट जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो है एक कटी हुई शिमला मिर्च और ये बॉइल्ड है, इसको हमने बॉईल कर लिया। अगर कच्ची डालेंगे तो वो बिल्कुल मुंह में उसका टेस्ट अजीब आएगा, तो आपने एक कटी हुई शिमला मिर्च लेनी है। फोर्थ वन इज लोबिया, लोबिया भी हमने बॉईल किया है। फिफ्थ इंग्रेडिएंट जो हमारे पास है वो है गाजर, गाजर को भी हमने काट कर छोटे छोटे स्लाइसेस में और फिर हमने इसको उबाल लिया है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है आपने लेना है मैक्रोनीज, दो तरह की मैक्रोनीज मैंने यहाँ पर ली है, एक सादी मैक्रोनीज और एक स्लांटी वाली। देन हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो केचप, आपने हाफ बाउल जो है टमाटो केचप का लेना है। चम्मच नमक हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करेंगे ग्रीन चिली सॉस, अगर आप चाहें तो प्रिजर्व ग्रीन चिली सॉस भी बाजार से ले सकते हैं, वैसे ये ग्रीन चिली हमने फ्रेश उसका जूस निकाला है। लास्ट पर हमारे पास रेड चिली सॉस है, ये हम ऐड करेंगे। अब हम अपने सैलेड को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। सबसे पहले आपने एक खाली बाउल लेना है, इसमें आपने जो हाफ बाउल टोमेटो केचप का लिया था वो ऐड कर देना है। हम इसमें 3-4 टीस्पून जो है ग्रीन चिली जूस डालेंगे। पहले 3 टीस्पून डालकर देख लें, अगर आपको ये सही लगे तो और मत डालें। अब इसमें 2 टीस्पून जो है रेड सॉस ऐड करेंगे। एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें वन बाय वन सारी बाकी इंग्रेडिएंट्स जो ऐड कर देंगे, गाजर उबला हुआ लोबिया शिमला मिर्च कटी हुई उबले हुए सफेद चने उबले हुए आलू और लास्ट पे हम इसमें मैक्रोनीज ऐड कर देंगे। सो गाइस, हमारा जो स्पाइसी रशियन सैलेड है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे मीठा रशियन सैलेड। सो गाइस, अब हम मीठा रशियन सैलेड बनाएंगे और मैं वन बाय वन सारे स्टेप्स के साथ आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी। अब हम मीठा रशियन सैलेड बनाएंगे। सबसे पहले आपने एक खाली बाउल ले लेना है, उसमें आपने मायोनीज ऐड कर देनी है। 3 टीस्पून मैंने यहाँ पर मायोनीज ली है, ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आपने इसमें 2 टीस्पून जो है दूध ऐड करना है। देन आपने इसमें मायो चॉप सॉस मिलती है बाजार से, आपने अगर आपके पास घर में खुद बना सकते हैं तो खुद भी बना लें, और प्रिजर्व बाजार से आपको मिल जाती है, आप वो खरीद लें। 130 का पैक है आई थिंक, सो वो आपने इसमें ऐड कर देना है। नेक्स्ट आपने इसमें ऑल पर्पस का क्रीम पैक जो हाफ ऐड कर देना है। टीस्पून आपने इसमें नमक ऐड करना है। चम्मच अब आपने इसमें व्हाइट पेपर ऐड करनी है।
एक चम्मच आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। गाइस अब आपने इसमें वन बाय वन सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ऐड करने हैं। एक कटा हुआ सेब, आपने इसके सेब के छोटे छोटे स्लाइसेस करके इसको ऐड कर देना है। आपने इसमें अंगूर ऐड करने हैं। मटर, आपने मटर इसमें बॉईल करके ऐड करने हैं। बस हम इसमें लोबिया ऐड करेंगे। हम इसमें मैक्रोनीज और स्पेगेटीज दोनों जो है वो मिक्स करके ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें कॉकटेल भी ऐड कर सकते हैं। सो गाइस हमारा जो मीठा और स्पाइसी रशियन सैलेड है दोनों बिल्कुल रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो जो इस रेसिपी को ट्राई करे काइंडली वो मुझे मेरे इंस्टा पर अपनी रेसिपी की जो है पिक्स वगैरह मुझे सेंड कर सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।